नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। हाल ही में RBI ने ऑफिसर रिटर्न पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। इस वीडियो में हम इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 15 मार्च आखिरी तारीख है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिले थे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी उम्र 1 फरवरी 2021 के दिन 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। एज पर नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2021 के दिन तक आपका अंडर ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई और हायर स्टडीज़ की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिस रीजनल ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य और यूटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सब डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में से ही मिल गई होगी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक वर्क प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर, एग्जाम लेवल, कट ऑफ्स, बेनिफिट्स और अदर डाउट्स लाइक यूनिफॉर्म होती है या नहीं, चपरासी का जॉब है क्या, वीक ऑफिस सर्व करनी होती है, स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं या नहीं, प्रमोशन को क्या स्कोप है। इन सब टॉपिक्स पर यूट्यूब में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। आप उन सब रूमर्स पर ध्यान के बिना अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, बिकॉज ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और RBI में जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, बिकॉज सबसे ज़्यादा रूमर्स इसी से रिलेटेड है। यह एक 5 डेज अ वीक वाली जॉब है। वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं। मॉर्निंग में जब ऑफिस स्टार्ट होती है तब आपको डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट को उनके पोर्टफोलियोस और फाइल्स उनके डेस्क पर देनी होती है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल्स लेकर जाना होता है और कभी कभी फाइल स्कैनिंग और जेरोक्स भी करने होते हैं। शाम को डे एंड में आपको वही पोर्टफोलियोस कबर्ड में रखने होते हैं। कैश डिपार्टमेंट में थोड़ा फिजिकल वर्क होता है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कैश की हैंडलिंग होती है, सो ये थोड़ा फिजिकल है, यहाँ फिजिकल वर्क होता है। बट जितनी सैलरी बैंक हमें पे करता है उसके सामने ये काम कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या नहीं करना होता, क्या रूमर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी रूमर्स ऐसे हैं कि हमें चाय कॉफ़ी सर्व करना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है, ये पर हमारी वर्क प्रोफाइल में नहीं आता। इन सब कामों के लिए बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टेम्प्रेरी स्टाफ होता है, सो ये सब हमें नहीं करना पड़ता। ऑफिसर रेंडेंस के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है, इसलिए उन्हें यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है। पे स्केल एंड सैलरी स्ट्रक्चर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए एज पर नोटिफिकेशन आपकी ग्रॉस सैलरी 26,508 रुपीज़ होगी। पर्क्स एंड अलाउंसेस प्लस HRA इंक्लूड करने पर आपकी मंथली सैलरी नियरली 30,000 के अराउंड हो जाएगी। एग्ज़ाम लेवल और कट ऑफ की बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करूंगा वो। तब तक आप बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पेज 6 प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपके साथ क्वेश्चंस के लेवल के साथ साथ एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी शेयर करूंगा, और पॉसिबल रहा तो इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए वीडियोस भी अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। 2018 में RBI ने मार्क्स एंड कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किए थे। अगर किसी ने RTI किया गया है तो उन्हें उनके मार्क्स की डिटेल्स दी गई है। सो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं, जो कट ऑफ्स हैं, सेक्शनल कट ऑफ दिखाए जा रहे हैं वो सब फेक हैं। अगर कोई कट ऑफ जानना चाहता है या सेक्शनल कट ऑफ जानना चाहता है तो वो एक RTI कर सकता है। जिस ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहा है उस ऑफिस में एक RTI कर सकता है, तो उन्हें वहाँ से उनके स्टेट के एग्जैक्ट कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ्स पता चल जाएंगे। यूट्यूब पर दिखाए गए कट ऑफ्स के सहारे अपनी प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स यूट्यूब पर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने कमेंट और मैसेज किए थे, उनमें से मैंने कुछ डाउट्स भी किए हैं और उन्हीं डाउट्स को मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। LPT और उसके आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी FAQs देखते हैं। FAQs में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। जी हाँ, आप सारे लोग अंडर ग्रेजुएट हो, आप लोग एलिजिबल हो। 1 फरवरी 2021 से पहले जो भी लोग अंडर ग्रेजुएट हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 1 फरवरी 2021 से लेकर ज्वाइनिंग के बीच में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप ग्रेजुएट हो भी जाते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आउट, मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कम चल रहा है, रनिंग है, क्या तो क्या मैं बैंक में पास हो जाता हूँ, ज्वाइनिंग करने के बाद में मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकता हूँ। जी हाँ, इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। आप अपने जो रेगुलर कोर्स हैं, जो आप स्टडीज़ ग्रेजुएशन जो परस्यू कर रहे हैं उसको आपको आपके रेगुलर कोर्स से ओपन यूनिवर्सिटीज़ या फिर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में कन्वर्ट कराना होता है। अगर आपका कोर्स ओपन यूनिवर्सिटीज़ या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको आपका रेगुलर कोर्स छोड़ना पड़ेगा, आपको आपका ग्रेजुएशन ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके जगह पर आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ या डिस्टेंस लर्निंग में दूसरा कोई ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक आपको परमिशन भी देता है और इसके लिए रीइंबर्स भी करता है। डिप्लोमा और ITI स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जी हाँ, डिप्लोमा एंड ITI स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आउट,
यदि कोई कैंडिडेट कॉलेज के लास्ट ईयर में है और जॉइनिंग से पहले ग्रेजुएट हो जाता है, या फिर उसकी कॉलेज पूरी हो गई है बट एटी केटी है, बैकलॉग है, ब्लॉक है या फिर फेल है, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? जी हाँ, ऐसे सारे लोग एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है या फिर फेल हैं, एटी केटी, ब्लॉक है, एलिजिबल हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है और अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स हाइड कर लेता है तो क्या बैंक क्या करेगा यार? आरबीआई है, इतना बड़ा बैंक है, ये डाटा तो निकाल ही सकते हैं, तो फिर ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस इंक्वायरी और पास्ट की रिक्रूटमेंट जिनमें हमने अप्लाई किया है, इन सब से बैंक्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को एक्चुअल डेटा मिल ही जाता है। बैंक्स को जब भी पता चलेगा वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, एंड इन वर्स्ट सिनारियोज वो आप पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं हैं। ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट ये जॉब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी। नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी है, बट जॉब सेटिस्फेक्शन इस जॉब से आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट फैक्ट्स बता रहा हूँ बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। इन हैंड सैलरी की बात करते हैं, 2018 में 23,700 थी, पेट्रोल अलाउंसेस और 15% एचआर ये सब मिला के ये सैलरी कुछ 27 to 28,000 के अराउंड जाती थी। 2021 में आपकी इन हैंड सैलरी 26,508 रुपीज़ होगी, 15% एचआरए, पेट्रोल 150 मिला के ये 30,000 और उससे ज़्यादा ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी। पर्क्स, सैलरी, बेनिफिट्स को रिलेटेड मैं पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं सारी डिटेल, एक भी माइन्यूट डिटेल्स उसके साथ में शेयर करूंगा। अब बात करते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स की एंड ग्रोथ की। ऑफिस अटेंडेंट से असिस्टेंट बनने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस पूरी होनी जरूरी है। इसके बाद डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्जाम देकर असिस्टेंट बना जा सकता है। 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा है, बट ये पॉलिसी भी रिवाइज होगी, सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई में जॉब करने के लिए। नेक्स्ट आउट, आरबीआई क्वार्टर्स प्रोवाइड करता है। यस, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को 1 BHK क्वार्टर प्रोवाइड करता है और जनरली ये क्वार्टर्स बैंक से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। मुंबई में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल योर डाउट्स। अगर अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आप पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।